तो ये हाउ टू बी अ स्टैटिक फाइटर सीरीज का पार्ट वन। आज हम सीखेंगे कि अपने पंचिंग बैग में पंच को कैसे थ्रो करना है। तो जब भी आप पंच थ्रो करें अपने पंचिंग बैग में, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप पंच करते समय सिर्फ आपकी पंचिंग पावर यूज नहीं होती है। जब पंच करते हो तो आपके हिप्स, आपके लेग्स, आपके लैट्स, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे आपको सिर्फ आपको अपने हाथों से पंच नहीं करना है, आपको पंच करना है अपने पूरे ताकत से, अपनी पूरी बॉडी के साथ, पूरे लेग्स को रोटेट करते हुए, हिप्स को मूव करते हुए। तो पूरी आपकी बॉडी मूव होती है पंच करते समय, यानी कि लेग्स भी, यानी कि। और अगर आपके पास पंचिंग बैग नहीं है तो आप नॉर्मल शैडो बॉक्स भी नहीं कर सकते हो। मैंने अपने अकाउंट में वीडियो डाली हुई है कि हाउ टू बी अ एमएमए फाइटर एट होम की पूरी सीरीज की वीडियो मेरे हाइलाइट्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पंच थ्रो करना सीखना है तो वो भी वहां पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सिखा देता हूं कि आपको नॉर्मली अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट करके तो 10 सेकंड के लिए आपको पंच करना है। एक, उसके 5 सेकंड का रेस्ट,